अरे यार, अब तक पिज्जा वाला आया नहीं। कब से ऑर्डर किया हूं मैं, कहाँ चला गया भाई। कम ऑन। क्यों पिज्जा ऑर्डर किए? आप देखो हमारे घर में सब है, चलो लेट्स गो। अरे मैं कोई कुक वुक करने वाला नहीं हूँ यार, मैं तो आराम से बैठ के खाऊंगा। अभी ऑर्डर किया है, आ जाए। अरे पिज्जा आराम से बैठ के मैं खा लूंगा बस। रिजल्ट क्या है? पिज्जा अभी तक आया नहीं। चलो अभी पिज्जा की प्रतीक्षा नहीं करते हैं और प्रतीक्षा मूवी का जो ट्रेलर है उसे देखते हैं। एंड वन मोर थिंग, इस मूवी में जो लीड कैरेक्टर है ही प्लेड वन ऑफ द कैरेक्टर इन द मन मूवी, ही इज मिस्टर दीपोनित। एंड जैसे कि आपको पता है वो थिएटर एक्टर है और उनका जो इमोशंस है द मन मूवी हमने देखा, दैट इज क्वाइट फैंटास्टिक। सो लेट्स वॉच द ट्रेलर। ओके चलो अभी देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट शॉट। अच्छा संजू। मिस्टर संजय दास, तू कहीं से गवर्नमेंट जॉब को बजे लगी थी बोले? थोड़ा प्राइवेट जॉब तो देखो ना। गवर्नमेंट जॉब सब टू बेस्ट। अरे मु लगी जी गया मुका गाड़ी पछल लगी प्राइवेट जॉब में बहुत दुख है, वही बोल रहा है वो अभी। ओके ये पूरा टिपिकल फैमिली का दिखाया था सीन। शादी कर लेगा क्या, वही पूछ रहा है वो भी। अभी तो सीरियस ଏମିତି କାହିଁ ହୁଏ, ସବୁ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଖରାପ ହୁଏ। ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା, ଆଉ ଏଇଟା ତ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଟପ୍ ନଚ୍, ମୋଷ୍ଟଲି ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ମେ ବି। ଉସକେ ପାସ୍ ପଇସା ବି ନେଇ ଅଭି ଦେନେ କେ ଲିଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗେଟିଂ ମୋର୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ରାଇଟ୍ ନାଓ। आगो को बढ़े नहीं खेले ना, वही टाइम ही रियलिटी। जब तुम्हारा सब बड़ा खराब टाइम चलती है ना, सब तुम सब बड़ा बेसी खराब। इट हैपेंस। जो इंटरव्यू थी वो सही दिन बरसा हुआ, जो दिन सब बड़ा बेसी काम थी वो से दिन करंट पड़ेगा। वाओ। हमारे साथ भी हुआ है लिटरली। बाहर टाणना कौन आजकल का पिला को ना फ्रस्ट्रेशन रो आंसर हो ट्रू। ग्रेट ग्रेट। वाह, ट्रेलर के बारे में बोलूँ तो ट्रेलर जबरदस्त है। ऐसे ही नहीं बोलता कि ट्रेलर जबरदस्त है, उसका जस्टिफाई भी करता हूँ वो बाद में बोलूँगा। कमिंग बैक टू द स्टोरी, जितना मुझे समझ में आया, बिकॉज आई बिलोंग टू ओडिशा स्टेट एंड ये ओडिया मूवी ऑब्वियसली हर एक वर्ड मुझे समझ में आया क्या चल रहा है। दिस इज बेस्ड ऑन ए मिडिल क्लास फैमिली। उसमें जो लीड कैरेक्टर है दीपोनित जो है, ही प्लेज द ऑब्वियसली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो इसमें चल रहा है। अभी जो ट्रेलर देखा दैट इज 3 मिनट्स अराउंड, उसका जो फर्स्ट हाफ है दैट शो सम फनी सीन्स जो चल रहा है। और उसमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो कि एक बंदा है मिडिल क्लास फैमिली से हु टुक द लाइफ ग्रांटेड, और उसको ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग गोज फाइन और मुझे लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। एंड ही इज ऑल्सो
वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू कम यू नो इनटू हिज लाइफ. और उसको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जब मिल गया तो लाइफ सेटल्ड है, उसके बाद उसको कुछ करना ही नहीं लाइफ में. हालांकि ये जो थॉट है खाली ओडिशा का कोई फैमिली का स्टोरी नहीं, ये हर एक मिडिल क्लास फैमिली जो इंडिया में रहते हैं उनका घर में कहीं ना कहीं एक रहता है कि गवर्नमेंट जॉब अपने बेटा या बेटी को मिल जाए बस काम खत्म है ना. और प्राइवेट जॉब का जो इनसिक्योरिटीज है जो थॉट प्रोसेस वो भी इसमें दिखाया गया है. और मुझे इतना पता चला कि फर्स्ट हाफ में उसका जो फैमिली चल रहा है जो अर्निंग्स आ रहा है उसके बिकॉज ऑफ हिज फादर, तो वो खुद तो कुछ कमा नहीं रहा है, उसके फादर की वजह से पूरा फैमिली का अर्निंग हो रहा है. और सेकेंड हाफ में अभी अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा इंटेंस हो जाता है और थोड़ा सा सीरियसनेस आता है. मतलब ट्रेलर में अगर बात करते हैं तो उसमें ऐसा दिखाया गया कि हिज फादर गट सिक और जिसके वजह से जो अर्निंग्स आता है उसके फैमिली को वो बंद हो जाता है कहीं ना कहीं. तो एट दैट मोमेंट ही हैज़ टू कम फॉरवर्ड टू यू नो सपोर्ट हिज फैमिली. और कुछ ऐसे सिचुएशन दिखाया गया कि वो पैसा निकालता है, वॉलेट से पैसा नहीं है, तब उसको रियलाइज होता है कि यार मैंने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं. और वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो सेकेंड हाफ में ट्रेलर में हमने देखा है. इन जनरल स्टोरी ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि दिस इज क्वाइट यूनिक, बिकॉज ये कैसा है कि डे टू डे लाइफ में हमारे हर किसी के घर में कहीं ना कहीं होता ही है. तो कि इसको लेके मूवी बनाना वो सबसे बड़ी बात है. और हम लोग बात ढूंढते रहते हैं यार बहुत अच्छा स्टोरी मिले जिसके ऊपर डायरेक्टर जाके मूवी बनाए या हम लोग जाके देखें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर एक इंडियन फैमिली में, हर एक डिफरेंट स्टेट में हमारे पास इतने इतने स्टोरी मौजूद है, इतने कल्चरल स्टोरी मौजूद है, उसको लेकर अगर हम मूवी बनाएंगे तो अपने पास 10 साल का डेटाबेस अभी मौजूद है. दिस इज़ वन ऑफ द क्लेवर आइडिया. अगर मतलब स्टोरी के बारे में बात करते हो ये बहुत अच्छा आइडिया, इसको ऊपर एक मूवी बनना चाहिए. और ट्रेलर को देख के मुझे वो फील हुआ. तो अभी हम बात करते हैं कि ट्रेलर को मैंने क्यों ज़बरदस्त बोला था. आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है? वो बहुत ज़रूरी पार्ट है. अगर ट्रेलर पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल गया मूवी के बारे में, देन यू विल नेवर गो टू द थिएटर एंड वॉच दिस मूवी. इसमें आपको फन पार्ट मिल रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन पार्ट भी दिखा रहा है, और एंड में आपको लेके एक जगह पे छोड़ देता है जब आपको मजबूर करेगा कि जाके आप थिएटर में देखो. देन यू विल अंडरस्टैंड कि उसका लाइफ में वो जो अचीव करना चाहता है बंदा वो हुआ कि नहीं हुआ. दैट सस्पेंस इज देयर इन द ट्रेलर, इसीलिए मैंने उसको एक ज़बरदस्त ट्रेलर बोला. एंड और क्या बोलूँ, हालांकि ये चैनल मेरा इस कोई रिव्यू या रिएक्शन रिलेटेड चैनल नहीं है. दिस चैनल इज़ मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी. और जिसको अगर आप में से कोई फिल्म मेकिंग फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ विजिट माई चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, देन आगे भी बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं. ओके, अगर रिलीज़ के बारे में देखते हैं तो ये 2 दिसंबर में ओडिशा में रिलीज हो रहा है. हालांकि हम सबको अभी दमन के बाद ऐसा एक फील होने लगा कि नहीं उनको पैन इंडिया रिलीज़ करना चाहिए, बट अगेन इट कम्स टू द बजट. अगर बहुत सारे लोग ओडिशा में उसको हिट करवाते हैं तभी जाके वो लोग ओबियसली पैन इंडिया रिलीज़ करेंगे. अगर एक बार पुणे में आ गया तो आई विल डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस मूवी, एंड आफ्टर दैट मैं इसके ऊपर एक रिव्यू भी करने वाला हूँ. सो लेट्स होप कि वो पैन इंडिया रिलीज़ करें. और इस ट्रेलर से टेक अवे ये वही है कि अगर आपको लाइफ में कुछ पाना है तो देन जस्ट डोंट वेट एंड जस्ट डोंट यू नो वेस्ट योर टाइम, जस्ट राइट जंप इनटू इट एंड गेट इट डन. अगर आपको ये रिएक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट ए थम्स अप. तो मुझे उससे कैसा होता है थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, यार चलो यार नया कुछ बनाते हैं, कुछ नया ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट करते हैं या मूवी का रिव्यू करते हैं. एंड अगर आपके पास कुछ रिकमेंडेशन है कुछ मूवी को लेकर या ट्रेलर को लेकर, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए सो दैट आई कैन रिव्यू एंड यू नो रिएक्ट ऑन देम. तो 10-12 कमेंट्स तो आने चाहिए एक मैं सकता हूँ. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. अरे हाँ भाई, अरे भाई तू ट्रेलर तो देखे ना? ट्रेलर बहुत जबरदस्त है जी, खाली मूवी आसले देखियार अच्छे. ठीक है जी, हाँ हाँ तू भी अब प्रतीक्षा कर सब जिनसे भाई. चल रखुला, बाय.